ये सत्संग क्यों रखा गया है? इस घर में जन्म हुआ है, किसका जन्म हुआ है? आप लोग बोलिए थोड़ा जोर से, किसका जन्म हुआ? सभ्य बोलिए ना एक बार, किसका जन्म हुआ है? इस घर में लेकिन हम कहते हैं इस घर में नाना का जन्म हुआ है ना? नाना का जन्म हुआ है, नानी का जन्म हुआ है। हम तो आपके बच्चे हैं ना, हंसना बोलना किसे करेंगे? इसी में मेरी माँ है, कोई चाची है, कोई बड़ी माँ है, कोई नानी बैठी आगे, कोई फूआ है, कोई दादी है, दादा है, चाचा है, मामा सब है। तो इस घर में किसका जन्म हुआ है? नाना और नानी का। और उसके साथ साथ मामा, माँ, बाप, दादा, दादी, चाचा, चाची, बहुत लोगों का जन्म हुआ। लेकिन मूल रूप में कौन है? बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से पहले वो नाना थे? आप ही बताइए, जब तक उसका जन्म नहीं हुआ था, गैबी भैया को कोई नाना कहने वाले थे? सुलोचना मम्मी कोई नानी कहने वाले थे? तो उसका जन्म हुआ तभी तो उसका भी जन्म हुआ। तो नाना नानी का भी जन्म हुआ, मामा का भी जन्म हुआ और माँ पिता का भी जन्म हुआ। जब तक बच्चा नहीं था, सुलोचना को माँ कहने वाले कौन थे? कोई नहीं। तो अब माँ कहने वाले हो गए, तो मतलब माता का भी जन्म हुआ, दादा दादी का भी जन्म, सबका जन्म हुआ। इस पूरे गांव में, पूरे परिवार में जिनको जो रिश्ता लगता है, उन हर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ। एक बार इन सब के, आप सब के जन्मदिन के खुशी में एक बार जोर से गुरुदेव के नाम से जयकारा करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब की। हो गया, सबके नींद भाग गई, गर्मी आई, थोड़ा सा हाथ भी गर्म करना है सबको, ठीक? थोड़ा सा गुरु के नाम से कीर्तन छोटा सा सबको कहना है। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, भज मन प्यारे सतनाम जय जय, भज मन। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, श्री राम। जोर से हाथ ऊपर करके, श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, श्री राम जय जय, भज मन प्यारे सतनाम जय जय, भज मन। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, श्री राम जय जय, भज मन प्यारे सतनाम जय जय, भज मन, भज मन प्यारे सतनाम।
सतनाम जय जय भजमन इंद्र अतीता परम पुनीता इंद्र अतीता इंद्र अतीता इंद्र अतीता इंद्र अतीता परम पुनीता इंद्र अतीता काल विजेता सतनाम जय जय काल अजेता सतनाम प्यारे सतनाम जय जय बेमानी कर रहे हैं आवाज नहीं आ रही जोर से हाथ ऊपर उठाइए सब कोई हाथ उठाइए अब बजाइए श्री राम जय जय आत्म राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय आत्म राम जय जय भज मन प्यारे सतनाम जय जय घट घट पासी सतह प्रकाशी घट 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 बासी घट घट बासी घट घट बासी सतह प्रकाशी घट घट बासी है अविनाशी सतनाम जय जय है अविनाशी सतनाम श्री राम जय जय आत्म राम जय जय श्री राम जय जय आत्म राम जय भज मन प्यारे सतनाम जय जय भज मन प्यारे श्री राम जय जय आत्म राम जय जय श्री राम जय जय आत्म राम जय जय भज मन प्यारे सतनाम 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 जय जय बोलिए सद्गुरुदेव की अब की बार सब है कि नींद भागी गई जारो भागी गई अभी हमारे साथी संत श्री सुधीर साहब से बहुत अच्छे विचार को श्रवण कर रहे थे कि हमारा संस्कार किस तरह का होना चाहिए और आज हमारा संस्कार कैसा होता जा रहा है। हम अपने मन में किसको बसाते हैं? कोई जिनसे जुड़ा है, जिनके जो गुरुदेव है उसको बसाते हैं। किसी के मन में शिव बसा हुआ है, किसी के मन में राम बसा हुआ है, किसी के मन में कबीर बसा हुआ है, किसी के मन में महर्षि मेही बाबा बसा हुआ है। अनेक प्रकार जिस जो जिनको मानते हैं उसके मन में वो बसा हुआ है। मेरे मन में क्या बसा हुआ है? क्या बसा है? अभी तो मैं राम राम गाया तो राम का भक्त हुआ, कबीर कबीर गाएंगे तो कबीर का भक्त हो जाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा मत करो, जिसको जो मानते हो जरूरी नहीं कि उसका नाम जपना है। उसका नाम जपने से उसको मानना नहीं होता है। हम अपने पिता का नाम खूब जाप करें,
लेकिन वो पानी मांगे तो ना दे, पिता को मानना हुआ हुआ। अपने माँ का नाम खूब जपते हैं, माँ की फोटो लगा के खूब आरती पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। अभी कबीर साहब की यहाँ तस्वीर लगी है, उसे अगरबत्ती हम दिखाते हैं। सिर्फ यही करते रहे तो क्या हमारा सफल होगा पूजा करना? कब सफल होगा? जब हम अपनी माँ और पिता के बातों को मानेंगे, अपने बड़ों की बातों को मानेंगे, और जो हमारे मन में बसा हुआ है, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, कबीर हो, महावीर हो, या शिव हो, कोई भी हो, जो अपने मन में बसा हुआ है, उसकी अगर बातों को हम मानते हैं तो माना जाएगा कि हम उन्हें मानते हैं। अगर उनके अनुसार हमारा जीवन नहीं ढल रहा है, जो कबीर साहब को मानते हैं, कबीर पंथी अपने आप को कहते हैं, खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, तो क्या आप लोग खुद विचार कीजिए कि सच में वो कबीर को मान रहे हैं? मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। जो शिव को मानने वाले हैं, शिव का नाम और क्या है? ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा नाम है? भोलेनाथ। क्यों ये नाम पड़ा? क्यों नाम पड़ा ये? यहां मंदिर है भोला बाबा का, तो भोला बाबा नाम क्यों पड़ा? वो इतने सरल थे, विचार उनका निर्मल था, भोले थे, जिसने जो वरदान मांग लिया दे देते थे, सोचते बाद में थे, पहले नहीं। उसकी पूजा कर जिसने किया और उनकी पूजा से वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो कहते थे मांगो वरदान, क्या मांगते हो? भस्मासुर ने क्या मांगा? जिसके सिर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। और शिव जी ने, भोलेनाथ ने क्या किया? दे दिया। अब वो क्या कि मंत्र का उपयोग सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शिव जी ही आगे में थे, उसी के सर पे हाथ रखने चल दिए, भागे भोलेनाथ। कहने का मतलब, मैं उधर नहीं कुछ कहूंगा, फिर उसके किस तरह से अपने ही सर पे हाथ रख के भस्म हो गया वो अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा है कि जिस भोलेनाथ ने सदैव अपने सरलता का परिचय दिया, जो कष्ट में थे उनको सहारा दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया, उसने कभी किसी का दिल दुखाया? दुखाया? कभी किसी को कष्ट दिया? नहीं दिया। कभी किसी को रुलाया? नहीं रुलाया। लेकिन हम आज क्या करते हैं? शिव को अपने मन में बसाते हैं, मन में बिठाते हैं, और हम क्या करते हैं? सरलता का परिचय नहीं दे पाते हैं, अपना भोलापन नहीं दिखा पाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। तो क्या सच में हम शिव को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। जो राम को मानते हैं, जिसके मन में राम बसा हुआ है, तो श्री राम प्रभु क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छूद्र न पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे भाता है, वो मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। जिसके मन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, राग द्वेष है, घृणा है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न पावा, वो मुझे पा नहीं सकता है, वो मुझे मान नहीं सकता है। भले नाम जपता हो अलग बात है, और भी क्या कहा, उसका रहन सहन कैसा है,
प्रात काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। क्या हमारा कर्म ऐसा हो रहा है? भगवान श्री राम कहते हैं प्रात काल उठ के रघुनाथा, क्या करते पहला काम? पहले माता को, फिर पिता को, फिर गुरुदेव को, अपने से बड़े जो भी है सबको जाके माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं। क्या आज ये हो रहा है हमसे जो बड़े हैं? पिता है, माँ है, पति है, भाई है, चाहे जो भी है, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं हो रहा है। और हम राम राम जप रहे हैं, क्या ये कभी सच हो सकता है? कभी मानना सफल होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप अपने मन में किसी को बसाते हैं, सबसे पहले उसके जीवन को देखिए, कैसा उसका जीवन है, वो किस तरह से जिया करते थे, और उस प्रकार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें, तभी क्या होगा, हमारा संस्कार अच्छा होगा। नहीं तो सत्संग में जाएंगे और जो सुनाते हैं उसको सुनेंगे, भंडारा खाएंगे, बस घर गए, सत्संग समाप्त हुआ। कहावत में कहते हैं गमछा झाड़ बिहारी पार, गमछा झाड़ सत्संग हो जाता है। तो गमछा झाड़ सत्संग नहीं करना है, गमछा झाड़ सत्संग नहीं सुनना है। सदगुरु कबीर कहते हैं आगे बढ़ो, दूसरों को देख देख के गलत आदतों को मत अपनाओ, जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं उसे देख देख कर आगे बढ़ना सीखो। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, तोहे रोकन वाला कौन मगन से जाओ चले, तोहे रोकन वाला कौन मगन से जाओ चले। तोहे रोकने वाला कौन है? अपने मगनता में चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें ना कोई परिवार रोकता है, ना समाज रोकने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं। अगर हम अपने मन को खुश रखना चाहें तो कोई हमें दुखी कर सकता है? हम अपने जीवन की चाबी अगर हम अपने पास रखते हैं तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, कोई रुला नहीं सकता। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, अपने जीवन की जो चाबी है दूसरों को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? अपने परिवार के लोगों को दे देते हैं, अपने समाज के लोगों को दे देते हैं, दोस्तों को दे देते हैं, जो सामने मिला उसी के जीवन हाथ में थमा दिए, लो मेरे जीवन की चाबी। और फिर वो क्या करता है, चाबी जब चाहता है तब घुमा देता है, जब चाहता है तब हंसाता है, जब चाहता है तब रुलाता है, जब चाहा तब प्रशंसा कर दिया, जब चाहा तब निंदा कर दिया। प्रशंसा सुन के मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, फूलने लगते हैं, और निंदा सुन के मन दुखी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने जीवन की चाबी किसी को दे दिया, दूसरे को दे दिए। दूर में कोई बैठकर बात करते हैं, हमारे मन में यहीं से संकल्प विकल्प होने लगता है, पता नहीं हमारे बारे में ही बोल रहे हैं ना, पता नहीं क्या क्या सुना रहे, हमरे निंदा चुगली करते होंगे। और धीरे धीरे दबे पांव जाते हैं दीवाल के टटिया के आड़ से जाके सुनते हैं कान लगा के क्या बोल रहे हैं। अगर इधर बगल से कोई बुलाने भी आ गया तो उस पर ध्यान नहीं है, ध्यान कहां है जो बोल रहे हैं।
और अगर सच में कहीं अपने बारे में कोई बात निकल गई, कोई निंदा चुगली की बात हो गई, निंदा क्या होती है? निंदा होती क्या है? जो हम गलत करते हैं, जिस समय गलत करते हैं ये जानते हुए भी कि ये गलत है, लेकिन छुपा के करते हैं, समाज के नजरों से छुपाते हैं, गलत कर दिए और वही बात संजोग बस किसी को पता चल गया या किसी ने देख लिया तो दूसरे को जाके वो कहते हैं। दूसरे को जब वही बात कहते हैं तो उसी को हम निंदा कहते हैं और वहां फिर अपनी सफाई देने लगते हैं। जब गलती करने के समय बुरा नहीं लगा तो उसी बात को दोबारा सुनने में क्यों खराब लगता है? हम सत्संग करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, हमारा मन क्या चाहता है? हमारा मन यही कहता है, चाहता है कि लोग देखें और लोगों में चर्चा हो, एक दूसरे से हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें हो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रशंसा। और जब वो बात हम सुनते हैं तो मन में खुशी होती है, लेकिन जो हम अपने जीवन में गलत काम किए हैं वही सुनने को मिलता है तो निंदा का रूप धारण होता है और उससे हमें लगता है कि हमारी निंदा हो रही है, उससे फिर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज पता नहीं क्या क्या फिर कह डालते हैं। ये ना होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने जीवन की चाबी कहां रखे हैं? कहां रखे हैं? अपने पास, अपने पॉकेट में, दूसरे को दे दिए, इसीलिए उनकी बातों को सुनकर हमें दुख होता है, खुशी होती है उनके बातों को सुनकर। और कहीं अगर प्रशंसा हो रही है तो मन में और भी विह्वलता होती है, और प्रशंसा हो, और प्रशंसा, चाहना की भूख जगती जाती है। जैसे किसी को मुफ्त में कुछ मिल जाए तो क्या चाहते हैं? और मिले, और मिले। किसी को पैसा मिल गया तो वो भी चाहते हैं और पैसा मिले, और पैसा मिले, और बढ़ता रहे। मन में जो है इच्छा बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है, और जब तृष्णा बढ़ती है तो और भी फिर गलत होने लगता है, पाप होने लगता है। वेद की एक कथा है, मैंने भी किसी संतों से सुना था, एक दंपत्ति पति पत्नी समुद्र किनारे एक झोपड़ी बना के रहते थे, छोटी सी झोपड़ी बना के रहते दोनों प्राणी, 8 महीने तक रहते थे अच्छे से, 4 महीने बड़ी दिक्कत होती थी। कब? 8 महीने, अभी जो बरसात का मौसम समाप्त होता था, बरसात समाप्त होने के बाद जो 8 महीने का मौसम होता है उसमें वो रहते थे, जैसे ही बरसात शुरू हुई और पानी बढ़ता था, बाढ़ आने के बाद उसका जो है झोपड़ी बह जाता था। अब पानी घटेगा, फिर से कमाएंगे तब जाके झोपड़ी बनेगा। हर साल इसी तरह होता था, हर साल 8 महीने अच्छे से रहे, खाए कमाए, और चार महीना तक बारिश में परेशान, घर भी बह गया, जैसे तैसे पेड़ पौधे पर जीवन काटता था। अब फिर क्या होता था?
फिर वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कमाया और कमा करके फिर से झोपड़ी बनाया, फिर रहने लगे। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। बड़े भक्त थे, बड़े पुजारी थे, किसके? समुद्र के, जल देवता के बहुत बड़े पुजारी थे, भक्त थे। उसकी पत्नी कहती है कि आप तो जल की को देवता मानते हैं, समुद्र को देवता मानते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, कभी एक बार कहे हैं कि हमारे झोपड़ी को बहाकर ना ले जाए? कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। कहा एक बार कह के तो देखिए क्या होता है, मानते हैं कि नहीं आपकी बात को। अगर सच में आप उसके भक्त होंगे, सच्चे पुजारी होंगे, तो आपकी बात को जरूर मानेंगे। अगर अच्छे मन से पूजा करते होंगे तो आपको फल मिलेगा, एक बार कह के देखिए। कहा ठीक है, करके देखेंगे। दूसरे दिन नहाया धोया, अच्छे से पूजा पाठ करने बैठ गया, आराधना करने लगे जल की देवता को। जल के देवता कौन है? कौन है? बारिश जो पड़ाता है वो इंद्र है, समुद्र जल के जो देवता है वो है वरुण। जब उन्होंने आराधना की अच्छे मन से, सच्चे मन से, तो कथा के अनुसार कहानी कहती है कि वरुण देवता प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, कहा कि क्या मांगते हो? वरदान मांगो। कहा कि भगवान, आप मेरी भक्ति से अगर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान चाहिए, वो भी मेरी इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा है? मेरी पत्नी की इच्छा है। मैं तो जैसे तैसे रह ही रहा था, 8 महीने अच्छे से रहता हूँ, 4 महीने बड़ी दिक्कत होती है। जब बाढ़ आता है तो हमारा जो घर है, झोपड़ी है, बाढ़ में बह जाता है, तो 4 महीने तक बड़ी परेशानी होती है। आपसे इतनी ही विनती है, यदि आप मेरे पूजा आराधना से प्रसन्न हैं, तो कम से कम इतना कृपा कीजिए कि हमारी झोपड़ी को बहाकर मत ले जाइए। मेरी झोपड़ी बहे नहीं, बस सलामत रहे। हर बार बनाना बिगड़ता है, बनाते हैं बिगड़ता है, बनाते हैं, परेशानी तो होती है। आपसे यही निवेदन है कि झोपड़ी बहे नहीं। वरुण देवता कहे ठीक है, और कोई इच्छा है? कि नहीं नहीं और कोई बात नहीं, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। वरदान तो मिल गया, खुशी खुशी वो गए। रास्ते में एकदम झूमते हुए जा रहे हैं, सबसे पहले गए वो अपनी पत्नी के पास बताने के लिए। जैसे उनके पास पहुंचे, एकदम खुशी के मारे बताने लगे कि वरुण देवता ने बात को मान ली, स्वीकार कर लिए कि अब जो है हमें दिक्कत नहीं होगी। जो 4 महीने तक दिक्कत होती थी, घर को बहाकर ले जाते थे, अब उन्होंने कहा कि घर को बहाकर नहीं ले जाएंगे, अब हम लोग आराम से रहेंगे। उसकी पत्नी कहती है सच में वरुण देवता आए थे? कहा कि हाँ सच में आए थे, उन्होंने ही तो कहा कि अब नहीं घर बहेगा। कहा कि जब सच में आए थे, दे ही रहे थे, तो झोपड़ी अपने से बनाना पड़ता है। मान लीजिए कि 8 महीने के बाद नहीं बहेगा, खर पतवार से बनाते हैं, 2-3 साल में तो सड़ ही जाएगा, चुएगा, तो कम से कम मांगना ही था, तो एक पक्का मकान मांग लेते, इसमें क्या दिक्कत होती आपको? कहा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जो बात कह रहा था कि जब आदमी को मिलने लगता है
मुफ्त में कोई चीज मिलने लगता है तो इच्छा किस तरह बढ़ती जाती है, तृष्णा किस तरह बढ़ती जाती है। भजन में भी आपने सुना होगा, किसी को बेटा हुआ, बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई तो उसकी इच्छा क्या होती है, अब जल्दी से पोते का मुंह देख ले। संजोग बस पोता भी हो गया, पोती भी हो गई, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते अभी भी बूढ़ा नहीं टपका है और पोता का उम्र हो गया 15-16 साल का। अब फिर मन में क्या इच्छा होती है, पोता का पुतहू भी देख लेंगे तो अच्छे रहेगा। पिता बना दादा की चाहत माया नाच नचाती। पिता बन गए, दादा की चाहत होती है और माया इसी तरह तृष्णा रूपी जो माया है, इच्छा रूपी जो माया है वो नचाती रहती है, नचाते नाचते रहो। उन दोनों प्राणी को जरूरत कितनी थी, जितनी जरूरत थी उतनी मिल गई उसे। लेकिन अब गलती कहां से होती है, यहां से जो आगे की कहानी है यहीं से गलती शुरू होती है। इच्छा बढ़ती जा रही है, अब पत्नी कहती है कि जरा थोड़ा सोचते अपने मन में कि जब दे ही रहे थे आशीर्वाद ही तो वो देते हैं, पक्का मकान मांग लेते। कहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, जाइए दौड़ के फिर से, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, फिर से दौड़िए। गए दौड़ के बेचारे, कहे कि प्रभु प्रभु मुझसे एक गलती हो गई। कहा क्या गलती हो गई, कि मुझे कहना था, मेरी पत्नी ने कहा कि अब तो झोपड़ी बहेगा नहीं, ये तो निश्चित हो ही गया। तब खर पतवार का मकान है, घर है, वो तो दो तीन साल में खत्म ही हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। आपसे निवेदन है कि पक्का का मकान दे दीजिए। मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, मेरी पत्नी की इच्छा है कि एक पक्का का मकान हो जाए तो अच्छा रहेगा। कहा ठीक है, और कोई बात है तो बोल दो। कहा नहीं नहीं और कोई बात नहीं, बस पक्का हो जाए। कहा ठीक है, जाओ हो जाएगा। अब बन गया पक्का, भगवान के आशीर्वाद से पक्का बन गया। गए खुशी खुशी, फिर गए, फिर अपनी पत्नी के पास गए कि पक्का तो बन गया, अब क्या दिक्कत है, अब तो कभी घर टूटेगा ही नहीं, जब तक जिंदगी रहेगी इसी में बीत जाएगी, गुजर जाएगा। फिर पत्नी कहती है, आप एकदम भोले के भोले हैं, अपना अकल कुछ नहीं लगाते हैं, दिमाग कुछ नहीं लगाते हैं, कितना बड़ा घर दिया है। कहा कि जितना हमारा था उससे तो बड़ा ही है, पहले तो एक ही झोपड़ी था, एक कमरा था, उसी में रहते रहते तो दो दो कमरा हो गया है, बरामदा भी है, क्या दिक्कत है, चुएगा भी नहीं। कहा कि जब वो दे ही रहे हैं, आशीर्वाद ही देते हैं, सिर्फ उसको तथास्तु कहना होता है और बन के तैयार हो जाता है, इससे बड़ा मांग लेते, राजमहल मांगना चाहिए था, पक्का मकान में क्या होगा। हमारे बच्चे होंगे, बेटे होंगे, बेटियां होगी, और परिवार बढ़ेगा, पुतहू होगी, सब कहां रहेंगे, एक राजमहल मांगिए बड़ा सा। बेचारे फिर गए दौड़े दौड़े, कहा कि भगवान फिर गलती हो गई। कहा अब क्या हुआ, कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि बेटे बेटी होगी, परिवार बढ़ेगा, फिर पोता होगा, नाती होगा, सब होगा, तो दो कमरे में कैसे एडजस्ट करेंगे, इसलिए बड़ा सा राजमहल चाहिए। क्या अच्छा राजमहल चाहिए, ठीक है जाओ, राजमहल दे दिया, बड़ा सा राजमहल तो मिल गया। अब तो खुश होना चाहिए, खुश वो तो खुश ही था बंदा, उसकी पत्नी की इच्छा बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही। फिर आए अपनी पत्नी के पास, कहा अब तो राजमहल मिल गया, अब तो खुश हो। कहा कि इसमें खुशी क्या है,
राजमहल किसका होता है आप ही बताइए। राजमहल किसके पास होता है? राजा के पास। और राजा किसको कहते हैं? जिसका राज्य हो और प्रजा हो। हम तो दो ही प्राणी हैं। अब बहुत बड़ा महल मिल गया तो उसमें रहेंगे तो भूत जैसा लगेंगे, लगेगा कि नहीं? तो जब राजमहल मांग लिया तो आप राजा हो गए। अब राजा को राज्य ही नहीं है, प्रजा ही नहीं है, तो आप राजा कैसे हुए? जाइए फिर से राज मांगिए। अब गए फिर दौड़े दौड़े, कहे कि प्रभु प्रभु इस बार मुझसे गलती नहीं हुई, ना मेरी पत्नी से गलती हुई, इस बार आप ही से गलती हो गई। कहा कि मेरे से कैसे गलती हुई? कहा कि आप ही बताइए, राजमहल किसके पास होता है? राजा के पास। राजा कौन? जिनके पास प्रजा हो, जिनके पास राज्य हो, उसको राजा कहते हैं ना। उसका राजमहल शोभता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब ये दिए तो यो भी देना चाहिए। अब दही दे दिए, चीनी दिए ही नहीं, भात परोस दिए, दाल दिए ही नहीं, आधा अधूरा काम आप ही किए हैं। कहा कि ठीक है, राज चाहिए तो राज भी मिल जाएगा। कौन सा राज चाहिए? कहा कि राजमहल तो बिहार में है, तो बिहार ही तो चाहिए। कहा कि जाओ तुम्हें हम पूरे भारत देश दे देते हैं, 28 राज्य है। अब खुश? क्या आप तो बहुत खुश हुए। गए पत्नी के पास, फिर वही बात कि अब तो ठीक है, राजमहल मिल गया। एक राज्य की मांग की थी, 28 राज्य मिल गया, पूरे देश मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं ना। कहा कि अभी भी दिक्कत है। कहा क्या दिक्कत है? कहे अभी भी पाकिस्तान वाले बम छोड़ देंगे, चाइना वाले आके वायरस छोड़ देंगे, अमेरिका वाले बम गिरा देंगे, तब हमारा राज्य ही खत्म हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, सब पर कब्जा होना चाहिए, हवा पर कब्जा होना चाहिए, सूर्य पर कब्जा होना चाहिए, जल पर कब्जा होना चाहिए, हम जब चाहे तब बारिश हो, जब चाहे तब सूरज निकले, जब चाहे तब हवा चले, जहां चाहे वहां बारिश हो। जाइए। गए फिर से देवता के पास गए और यही बात कहे कि भगवान मेरी पत्नी चाहती है हम जब चाहे तब हवा चले, जब चाहे तब सूर्य निकले, जब चाहे तब बारिश हो, जब चाहे तब दिन हो, जब चाहे तब रात हो, ऐसा वरदान हमें चाहिए। तब भगवान क्या देते हैं? क्या देते हैं? कहते अरे मूर्ख, तेरी वही औकात है, जहां तू था वो सही था, जो तुझे पहले था वही सही था, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा है, तृष्णा है, इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसका अंत नहीं है। इसलिए जाओ, तुझे साप देता हूं, जिस अवस्था में पहले था, जिस झोपड़ी में था, उसी में तुम जाके रहो और तुम्हारा वही हाल होगा जैसे पहले होता था। बोलिए सद्गुरुदेव की। जो दस बीस पचास भय सत हो, ये हजार तो लाख मंगेगे, कोटि अरब खरब असंख्य लो, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल पे राज करो, तृष्णा अधिका अधिक बढ़ेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। वरुण देवता कहे अरे ओ मूर्ख, तेरी भूख बढ़ती जा रही है, कभी मिटने वाली नहीं है, इसलिए जैसा पहले था वैसे ही तू सही है। हम लोगों के मन में भी इसी तरह तृष्णा बढ़ती है।
और जब जब तृष्णा बढ़ती है तो मन से पाप होता है, हमारे कर्म गलत होते जाते हैं, और जब हमारा कर्म गलत हो जाता है तो संस्कार कहां से अच्छा होगा। और जब हमारा ही संस्कार खराब हो जाए, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका ही संस्कार खराब हो जाए, तो जो घर में छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं उनका संस्कार अच्छा कहां से होगा, कहां से होगा। इसीलिए सत्संग सुनने का लाभ यही होता है, सत्संग में आने का फल यही होता है। क्या? संस्कार सिखाते जाओ, सुविचार सिखाते जाओ, अपने बच्चों को प्यारे व्यवहार सिखाते जाओ, संस्कार सिखाते जाओ, सुविचार सिखाते जाओ, अपने बच्चों को प्यारे व्यवहार सिखाते जाओ। अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाना है। आप अपनी बेटी को जो संस्कार अपने घर में देते हैं वही वहां जाके दिखता है, फल मिलता है ससुराल में जाके। उस लड़की की आपकी बेटी से वहां के समाज के लोग, वहां के घर के लोग आपके बारे में जान जाते हैं। बच्चे को देखकर उनकी माँ के बारे में जान जाते हैं कि इसका माँ कैसी है, इनके पिता कैसे हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें, और वो कैसे होगा, पहले खुद संस्कारित होना होगा। एक माँ और पिता अपने 6 साल के बच्चे को लेकर मंदिर में गया, मंदिर में जाके दोनों कहते हैं बच्चे से, बेटा ये बाबा है, भगवान है, इसे प्रणाम करो, पैर छुओ। वो छू ही नहीं रहा है। बच्चा जो है शर्माता भी है, जब शर्माता है तो देह एकदम से ऐठता है, मुंह उधर घुमाता है, कभी कपार लोचता है, कभी ऐसे नहीं। कई बार कहा बेटा बाबा को प्रणाम करो, लेकिन नहीं किया। फिर बाबा ने कहा पहले उसको दिखा कर आप लोग कीजिए, वो खुद ब खुद कर लेगा। वही हुआ, उन दोनों ने जब उसके सामने किया फिर बच्चे ने भी वैसे ही किया। आजकल के बच्चे सिखाने से कम दिखाने से ज्यादा सीखते हैं। मोबाइल चलाने के लिए बच्चे को आपने सिखाया है, नहीं सिखाया है, लेकिन वो जानता है, इतना जानता है कि आप भी नहीं जानते हैं। देख देख के सीखा। गाली देना वो कहां से सीखता है, गाली देने के लिए कोई स्कूल है, प्राइवेट है, ट्यूशन है, नहीं है, फिर भी बच्चा गाली देता है, कहां से सीखा, अपने घर से, अपने माता पिता से। जो आप दे रहे हैं वह वो बच्चा ले रहा है, बाद में जब उसका फल मिलता है, जब वो खुद बड़ा होके गाली देता है, तब जाके बाबा के पास अर्जी लगाते हैं, बाबा हमारा बच्चा तो बिगड़ी गलत है, एक को बातें नहीं माने छे, गाली दे छे, मारे छे। तब जाके कहने से क्या होगा, जब बाबा आपको सिखा रहे थे, कह रहे थे, उस समय आप बात नहीं माने, अब वो कहां से मानेगा। इसलिए खुद भी अच्छा जीवन बनाए और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे, तभी जो है आपका बच्चे को जन्म देना, आपका जीवन सफल होगा। आप अगर माँ हैं तो
आदर्श माँ बनिए। आप अगर पिता हैं तो आदर्श पिता बने। एक पिता के दो पुत्र थे, एक पिता के दो पुत्र थे, एक था शराबी और एक उन सबसे चीजों से दूर भागता था, सत्संग में प्रेम रखता था। उन दोनों से एक आदमी ने पूछा, ये बताओ तुम दोनों एक ही बाप के लड़के हो, एक ही बाप से पैदा हुए हो, तो दोनों में अंतर क्यों है? तुमने शराब पीना कहां से सीखा? तो एक ने कहा कि मैं कहां से सीखा, मुझे पूछ रहे हैं, मैंने देखा अपने पिता को शराब पीता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, ये सब खेलते करते देखा, तो मैंने सोचा कि हम उनके पथ पर से अलग क्यों जाएंगे, जो उन्होंने मार्ग अपनाया उसी पर हम भी चल पड़े। वो मुझे अच्छा लगा। जैसे जैसे पिताजी चल रहे थे, जैसे जैसे वो करते जा रहे थे, हम भी वैसे वैसे करते चले। दूसरे से पूछा, तुम शराब क्यों नहीं पीते हो? उन्होंने भी कहा, पिता के कारण से। पहले ने क्या कहा? उसने भी कहा पिता के कारण से, और दूसरे ने कहा वो भी पिता के कारण से। कहा कि वो कैसे? कहा कि मैंने देखा पिताजी जब शराब पीकर आते थे, माँ को बहुत मारते थे, गंदी गंदी गालियां पड़ते थे, और कहीं ज्यादा शराब पी लिए हैं तो कहीं भी रोड पे नाले में लुढ़क जाते थे, लेटे हैं, पड़े हैं जैसे तैसे। तो ये सब जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये कैसी जिंदगी है पिताजी की, कितना गंदा जीवन है, कितना खराब जीवन है। तो इसलिए मैंने शपथ लिया कि हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया। हम लोग भी इसी तरह देखते हैं, देखकर अपने जीवन में शिक्षा ले, क्या गलत है, क्या सही है, और हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। शिक्षा हम अपने जीवन में लेंगे तो हमारे बच्चों को अपने आप मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हम करते हैं, जो हम फल बोते हैं, उसी का हमें फल मिलता है, जो बीज डालते हैं उसी का हमें फल मिलता है। इसीलिए अच्छा संस्कार, अच्छा बीज डाले तो अच्छा फल भी मिलेगा। सत्संग में आना, मनुष्य जीवन को पाना, सब तब सफल हो जाएगा जब अपने जीवन को हम सत्संग में बना लेंगे, कल्याण की ओर लेके जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।